जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिट 4 मध्य प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं सिविल तैयारी पर और आप लोगों को मैंने नेशनल पार्क्स पढ़ा दिए थे। राष्ट्रीय उद्यान में आपको बता चुका था कि हमारे मध्य प्रदेश जो कि देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अपने पास रखता है, प्रमुख अभ्यारण्य अपने पास रखता है, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर राज्य के नियम कानून ज्यादा है, अधिकार क्षेत्र ज्यादा है, और वह जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से और बहुत सारे आयामों में राष्ट्रीय उद्यान से लघुतर दिखाई देता है, उसकी हम चर्चा करते हैं अभ्यारण के स्वरूप में। जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो राष्ट्रीय उद्यानों से ही अधिकतर पूछे जाते हैं। अभ्यारणों से बनने वाले प्रश्नों में ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा कहाँ है, सबसे छोटा कहाँ है, ऐसा कौन सा अभ्यारण है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। जनरली ये 3-4 प्रश्न ही इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। प्रमुख रूप से हम मध्य प्रदेश में देखें तो अभ्यारणों की सूची काफी लंबी है, लेकिन प्रमुख प्रमुख जो है उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि एक अभ्यारण का नाम लिखा है जिसका नाम है नौरा देही। नौरा देही अभ्यारण को ही आप पढ़ना, नौरा देही को नूरा फतेही मत पढ़ लेना, नहीं तो आंखों का भ्रम हो जाता है। अक्सर हम लोग जो है ग्लैमर में इतने लिप्त हो चुके हैं कि नौरा देही अभ्यारण पढ़ते पढ़ते पता चला आंखों ने नूरा फतेही को पढ़ लिया। हालांकि अभ्यारण की अपनी सुंदरता है और फतेही की अपनी सुंदरता है, वो भौतिक है ये प्राकृतिक है, दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ आपको अधिक आनंद आएगा क्योंकि ये प्रकृति की गोद में बसी हुई है। ठीक है, अब हम देखें तो नौरा देही अभ्यारण जो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सागर में। चलो सागर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स रिकॉल कर लो। तो याद रखना सागर मध्य प्रदेश के ठीक मध्य का जिला है, मध्य प्रदेश में ठीक बीच का। जिस प्रकार उत्तर में मुरैना, दक्षिण में बुरहानपुर, पश्चिम में अलीराजपुर और पूर्व में सिंगरौली पड़ते हैं, वैसे ही सागर मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। सागर संभाग भी है। इसके अलावा यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरा देही अभ्यारण्य स्थित है। सांभर, नीलगाय, चीतल, भालू, चिंकारा, जंगली कुत्ता, कृष्ण मृग जैसे बहुत सारे जानवरों की बहुलता यहाँ देखी जाती है। ये कभी नहीं पूछा जाता, प्रमुख अगर लीडिंग में है कोई, जैसे मैंने कहा कि कृष्ण मृगों की अधिकता सतपुड़ा में मुझे दिखाई देगी, कोई पूछेगा कि मोगली लैंड के लिए क्या विख्यात है तो पेंच, सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ मिलेगा तो बांधवगढ़, सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी, जैव विविधता देखने के लिए मिलेगी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, सतपुड़ा के आसपास के क्षेत्र में, है ना। प्रमुख प्रमुख बिंदु कि भूरसिंगा बारा सिंघा जो कि या बारा सिंघा के लिए फेमस कान्हा, कान्हा का गहना बारा सिंघा, ऐसे ही इसके लिए सबसे फेमस उपाज ये है, कोट ये है कि ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सिंघोरी अभ्यारण्य की हम बात करते हैं जो कि उसी के पास में, सागर के पास में रायसेन जिले में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ इसके जुड़ी हुई जो चीजें हैं आप इसमें यही चीजें याद करें कि कौन सा कहां पर स्थित है। सिंघोरी जो कि रायसेन के अंतर्गत आता है, सेम चीज बाघ, सांबर, तेंदुआ, चीतल, कृष्णमक, चिंगारा आदि। फिर हम बात करते हैं संजय डुबरी अभ्यारण्य की। संजय गांधी की जब हम चर्चा करते हैं तो इसे मुख्य रूप से स्टार्टिंग में जो है अभ्यारण्य में ही शामिल किया गया था और अभ्यारण्य का हिस्सा मूलतः ये राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। पुराना नाम जो है इसका डुबरी है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर साझा होता है इस क्षेत्र में और वहां इसको हम गुरु घासीदास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गुरु घासीदास। संजय गांधी को हम उसमें भी पढ़ चुके हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, रातापानी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप याद रखना कि मध्य प्रदेश में जितने नेशनल पार्क हैं उनमें केवल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब ये टाइगर प्रोजेक्ट क्या है तो याद रखना कि बाघों के संरक्षण के लिए चलाई जाने वाली योजना है और विश्व में इसके जो जन्मदाता है, विश्व में जन्मदाता कौन है, वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो गैनी मैनफोर्ड है, गैनी मैनफोर्ड। फिर अगर हम बात करें गैनी मैनफोर्ड के बाद में भारतीय प्रस्पेक्टिव में, तो भारतीय प्रस्पेक्टिव में कैलाश शांखला कौन होंगे, कैलाश शांखला इसके जन्मदाता हैं इंडियन प्रस्पेक्टिव में। फिर हम देखें तो 6 मैंने आपको बताया राष्ट्रीय उद्यान, उनमें एक अभ्यारण्य भी शामिल है टाइगर प्रोजेक्ट में और वो अभ्यारण्य रातापानी।
रास राता पानी, रास से रायसेन याद रखना, ठीक है। रायसेन के अंतर्गत बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल जैसे कॉमन जानवर आपको यहाँ मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, फेन, फेन है, बगदरा है, गंगऊ है, ये कई ऐसे अभ्यारण है जो मुख्य रूप से मेरा ख्याल है कि चर्चे में रहे। फेन से एक बार एमपीपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित है, मंडला के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद में पेंच, पेंच तो खैर राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण के परस्पेक्टिव में नहीं देखेंगे इसको। हाँ, बोरी की मैं जरूर चर्चा करूंगा। मैंने आपको जब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि उसी के समीप नर्मदापुरम में बोरी वन्य जीव अभ्यारण है और बोरी वन्य जीव के साथ में पचमढ़ी का जैवाधारित क्षेत्र है। ये तीनों चीजों को जब हम कंपाइल कर रहे थे तो इनका क्षेत्रफल 1427 वर्ग किलोमीटर हो रहा था। वहीं अगर हम अकेले बोरी की बात करें तो 518 वर्ग किलोमीटर कवर करता है और ये एक अभ्यारण के रूप में आपको होशंगाबाद पुराना नाम, नया नाम नर्मदा मैया वहां पर मिलेंगी, नर्मदापुरम मिल जाएगा, तवा नदी उस क्षेत्र में मिल जाएगी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, भारू, गौर जैसे यहाँ पर प्रमुख जानवर हमें देखने के लिए मिलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो सोन, सोन घड़ियाल, नाम सुना ही होगा, सोन घड़ियाल अभ्यारण, तो नाम में ही घड़ियाल है तो घड़ियाल तो मिलना है, मगर मिलना है। इस तरीके के जो जीव होंगे, जलचर जीव, जल में रह के मगर से बैर नहीं करते, टूटे ना, तो मगर जल का शेर है, शिकारी है, वो पानी के अंदर स्ट्रांग है, वही सोन घड़ियाल अभ्यारण हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है सीधी शहडोल के आसपास। आगे बढ़ते हैं सैलाना। अब दो नाम आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, सरदारपुर और सैलाना। एक पक्षी है, उस पक्षी का नाम है खरमोर, खरमोर पक्षी, सोन चिरैया की भी बात करते हैं, खरमोर पक्षी। अभी जो खरमोर पक्षी है तो भैया इनका संरक्षण हो रहा है सैलाना में और सरदारपुर। अब यहां प्रश्न उठता है कि सैलाना कहां पर स्थित है, रतलाम में स्थित है, और सरदारपुर कहां पर स्थित है, धार में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरदारपुर रतलाम में है, सैलाना धार में, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसकी सरल ट्रिक याद रखें, सरदारपुर धार, रा दोनों में कॉमन मिलेगा, फिर ना माँ जैसे कॉमन टर्म सैलाना रतलाम, ऐसे करके आप थोड़ा कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ओरछा की बात करते हैं। जब भी ओरछा शब्द क्लिक होगा याद रखना कि बेतरवती मध्य प्रदेश की गंगा जो उत्तर सीमा बना रही, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, उस बेतवा के किनारे ही ओरछा और बुंदेलों की याद आ जाती है, ओरछा का किला, बुंदेला शासक, इतिहास पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का, मजा आएगा आपको। तो ओरछा पूर्व में टीकमगढ़ था अविभाजित और वर्तमान में निवाड़ी जिले का हिस्सा है, आप सभी जानते हैं ओरछा वीर सिंह बुंदेला से संबंधित, चीतल, नीलगाय जैसे आपको यहाँ पर जानवर मिलेंगे, पचमढ़ी जिसकी हमने बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चर्चा की है भी नर्मदापुरम के अंतर्गत आ जाएगा, पनपठा, पनपठा अभ्यारण। अभी जो पनपठा अभ्यारण है ये शेड्यूल के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा पनपठा। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और है कि शेड्यूल के पास में उमरिया करके एक जगह है, वहां भी जो है ये मामले आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नरसिंहगढ़ अभ्यारण। नरसिंहगढ़ जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, गढ़, गढ़ से आप इसको मिला लेंगे, कॉमन चीजें वहां पर भी मिलेगी। खिवनी, हाँ बहुत जगह ये सिवनी पढ़ लेते हैं लोग इसको, ये सिवनी नहीं, एक्चुअल में खिवनी है जो देवास जिले के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है, खिवनी अभ्यारण्य, देवास वही कॉमन, तेंदुआ, नीलगाय, तेंदुआ आपको प्राय देखो जहां कृष्णमग मिलेंगे, जहां पर हिरण, कृष्णमग, इस चीतल, इस तरीके के जानवर रखे जाते हैं वहां एक दो तेंदुए होते ही है। क्यों होते हैं, तो पारिस्थितिकी संतुलन को बैलेंस करने के लिए, अगर 100 चीतल रखी गई है तो 4 तेंदुए वहां पर जरूर होंगे, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। हम घाटी गांव और करेरा की भी चर्चा कर रहे थे, करेरा कहां पर स्थित है, शिवपुरी के अंतर्गत स्थित है, जो कि चिंकारा, कृष्णमग, सोनचिरैया और आपके नीलगाय के लिए विख्यात है। फिर इसके बाद में हाँ गंगऊ, फेन, गंगऊ, इस तरीके के कई हैं जो चर्चे में रहे। गंगऊ के विषय में ये बात है कि गंगऊ अभ्यारण आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये थोड़ा सा मिसटाइप है, ग्वालियर नहीं, एक्चुअली पन्ना में है गंगऊ, इसको मैं संबंधित जिला पन्ना लिख देता हूँ, टाइपिंग एरर है, सो करेक्ट कर देंगे पीडीएफ में। पन्ना संबंधित वन्य प्राणी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, ये सब आपको वहां पर
देखने के लिए मिलेंगे आगे। इनको याद करना है बेटे, इनमें इनको कोरिलेट करो, याद करो बार बार कनेक्ट करके, बाकी और कुछ नहीं है। वीरांगना दुर्गावती, दुर्गावती जब भी उल्लेख होगा तो आप उसको कहां से जोड़ेंगे, जबलपुर के आसपास, दमोह के आसपास, उसी रीजन में शासन किया दुर्गावती के नाम पर। दमोह में आपको मिल जाएगा अभ्यरण, सरदारपुर, सैलाना दोनों की चर्चा बताया। सरदारपुर आप आंख बंद करके धार लगाइए। फिर पक्षी, खरमोर पक्षी के लिए तो यहां पर आप देख सकते हो, बताया था कि खरमोर पक्षी है, तो यहां पर भी पक्षियों के लिए विशेष तौर पर मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यरण, तो चंबल अभ्यरण कहां मिलेगा, मुरैना में मिलेगा, भिंड में मिलेगा, उसी बेल्ट में मिलेगा, उत्तरी मध्य प्रदेश में। चंबल में किन चीजों का, जो सोन, घड़ियाल, चंबल, इस तरीके के जो नदियां हैं, सोन हो, चंबल हो, उनके आसपास के क्षेत्रों में जलीय जलचरों का, मगर, कछुआ, घड़ियाल जैसे जो प्रमुख जानवर हैं, जलीय जानवर हैं, उनका संरक्षण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बगदरा सीधी के अंतर्गत आता है। देखो सबके क्षेत्रफल दिए हैं आपको, ये सब याद नहीं करना है, सबके क्षेत्रफल रटने जाओगे संभव भी नहीं है। केवल ये याद रखना, नौरा देही सबसे बड़ा, राला मंडल भी आएगा सबसे छोटा, टाइगर प्रोजेक्ट में रायसेन, रातापानी, उसको याद रख लो। खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ किया जा रहा, सरदारपुर सैलाना को याद रखो। घड़ियाल अभ्यरण मगरों से संबंधित कौन कौन से है उसको याद रखो। इस तरीके से आप नोट्स बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ, आधे पन्ने में राष्ट्रीय उद्यान फिनिश होंगे, काम की चीजें पढ़ो, प्रीलिम्स में आएंगी। गांधी सागर नाम जब भी आएगा, सीधा मंदसौर जाना है, नीमच मंदसौर वाला एरिया, वहां पर गांधी सागर जलाशय है, गांधी सागर डैम है। अभी गांधी सागर डैम जो है भैया किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी 1954 से, गांधी सागर जलाशय, चंबल में, मंदसौर में हमने बनाया। लेकिन याद रखना यहाँ प्रश्न आता है, मंदसौर किस नदी के तट पर है, मंदसौर शिवना नदी के तट पर है। वहां पर आप चंबल मत लगा बैठना गलती करके, मंदसौर जिले की जरूर चर्चा होती है लेकिन मंदसौर शिवना के तट पर बसा है। फिर यहाँ नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ जैसी चीजें मिलेंगी आपको। पालनपुर कूनो अभ्यारण, जहां अफ्रीका से मोदी जी ने चीते लाके छोड़े थे, है ना, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की रफ्तार पर और मोदी जी के मैनेजमेंट पर संदेह नहीं करते ऐसा। तो मुरैना ये भी उसी क्षेत्र में। आगे हम बढ़े तो केन, केन आपको घड़ियाल, ये जब भी नाम आएंगे केन जैसे, मैंने क्या बोला, केन घड़ियाल, सोन घड़ियाल, राष्ट्रीय चंबल, वो उसमें भी घड़ियाल, तीन केन, सोन और चंबल को घड़ियाल मगर के लिए आप याद रखो। इसको केन घड़ियाली बोला जाता है, उसको सोन घड़ियाली बोला जाता है, उसको चंबल घड़ियाल। ये जो है आपको कहाँ मिलेगा, केन शब्द जब भी आएगा छतरपुर पन्ना को ही आप याद रखेंगे। नदी किसकी सहायक बताया था मैंने आपको, केन सहायक किसकी बताया था मैंने, ट्रिक बताया था, के बी सी एस, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, ये सभी जाकर यमुना में मिलती है, गंगा अपवाह तंत्र की नदी है। फिर आगे बढ़ते हैं, राला मंडल मेरे घर के पीछे ही है, राला मंडल आपको मिल जाएगा इंदौर में, 50 बार हमने देखा है, कोई काम का नहीं है, आप बोर हो चुके हैं, लेकिन आप जरूर आए, स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह भाई के कामकाज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे जो है वन्य प्राणी, बाघ जैसे यहाँ लिखा हुआ पर बाघ एक्चुअली है नहीं वहां पर, है ना, लिख देते हैं किताबों में तो छप जाता है, तेंदुआ, सांबर, चीतल, भालू आलू भी नहीं है, गौर देखने के लिए मिल जाएगा। ये कुछ प्रमुख जानवर हैं जो राला मंडल में, राला मंडल की यहाँ पर मैंने आपको विशेषता नहीं बताया, जो ये है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है राला मंडल। आगे घाटी गांव अभ्यारण, घाटी गांव की जब हम चर्चा करते हैं तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, घाटी गांव ग्वालियर के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कुछ छूट रहा है क्या, अभी हमने खेवनी की चर्चा कर ली, नरसिंहगढ़ की, सोन घड़ियाल, गोरी, चंबल, बगदरा, गंगौ, केन, पालनपुर, कूनो, घाटी गांव, गांधी सागर, फेन, पटपठा, सैलाना, सरदारपुर, नौरा देही, राला मंडल, ओरछा, दुर्गावती। हाँ, प्रमुख जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, सॉरी, हमारे जो प्रमुख अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के, उनकी हमने चर्चा कर ली। यहाँ भी याद रखना घाटी गांव, ये सोन चिरैया, घाटी गांव और करेरा, दो, खरमोर पक्षी, सरदारपुर और सैलाना, सोन चिरैया, या जिसको चिरैया शब्द लोकल भाषा में कहा जाता है, चिड़िया है एक्चुअली, तो याद रखेंगे सोन चिड़िया जो है ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, घाटी गांव और करेरा दोनों, घाटी गांव ग्वालियर और करेरा शिवपुरी, दोनों पास पास के जिले हैं, ग्वालियर शिवपुरी,
दोनों में ये सोनचरिया जो है इसका संरक्षण किया जा रहा है, बाकी अन्य जो है प्रमुख रूप से मिलते हैं। क्विक एक देख लेते हैं जो चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इस चार्ट में क्या क्या जानकारी है। तो नोरा देही जिसकी स्थापना कब की गई, 1975 में। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 1197.04 वर्ग किलोमीटर, राउंड फिगर किसके प्रस्पेक्टिव में, 1200 के प्रस्पेक्टिव में सबसे बड़ा। फिर राला मंडल सबसे छोटा, जिसका यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लगभग यहाँ कुछ लोग 5 भी कुछ कुछ किताबों में, यहाँ पर कुछ कुछ नोट्स में 2.34 वर्ग किलोमीटर। सरदारपुर धार खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, सैलाना खरमोर पक्षी का संरक्षण मैंने बताया आपको, और हमारा राजकीय पक्षी दूधराज है उसका भी संरक्षण, साह बुलबुल पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसको कहा जाता है। फिर इसके अलावा हम देखें तो घाटी गांव जो मैंने अभी सोन चिरैया की बात की, करेरा सोन चिरैया की बात की, मुरैना चप्पल घड़ियाल की बात की, सोन घड़ियाल की बात की, केन घड़ियाल की बात की। आगे बढ़ते हैं, ओरछा बेतवा के तट पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नरसिंहगढ़ जिसमें की चिड़ी खो झील, ये चिड़ी खो झील इंपॉर्टेंट याद रखना, चिड़ी खो झील पूछी गई है किस नेशनल पार्क में, नरसिंहगढ़ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। देश का और पहला गौ अभ्यारण्य जिसकी हम बात करें तो कामधेनु, नाम में ही कामधेनु है, आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मिलेगा, गांधी सागर मंदसौर नीमच जहां पर गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल इस अभ्यारण्य को दो भागों में डिवाइड करती हुई चली जाती है और गांधी सागर जलाशय भी वहां मिलेगा। कालीभीत काले भालू और चीते का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है जो कि बैतूल, चीतों को संरक्षण दिया जाएगा लेकिन यहाँ लाया नहीं है, ठीक है ना, कालीभीत की अगर हम चर्चा करें ऐसा पॉइंट में है लेकिन काले भालू के लिए प्रस्पेक्टिव में रखा। बोरी जिसकी मैंने चर्चा की, जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मोटे तने वाले सागौन, साल वृक्ष, अच्छी प्रजाति वाले मांस, डेंड्रोकैलमस ट्री जिसको नीलगिरी भी बोलते हो आप लोग, उस तरीके के पेड़ यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। राता पानी, रायसेन, बेतवा नदी प्रवाहित होती है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, 6 टोटल प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में पूछे जाएंगे तो 7, राष्ट्रीय उद्यानों में पूछी जाएगी संख्या तो 6, अभ्यारण्य में पूछी जाएगी तो एकमात्र राता पानी। आगे ये कुछ अन्य जो लास्ट आपके पास यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, वीरांगना दुर्गावती, दमोह में हमने चर्चा कर ली, सिंगोरी, रायसेन, पचमढ़ी, होशंगाबाद, छिवनी, देवास, सीहोर, पेंच, सिवनी, छिंदवाड़ा, फेन, मंडला, पनपठा, उमरिया, सेडोल, डुबरी, सीधी, फिर यहाँ पर बगदरा, सीधी, गंगो, पन्ना, मयूर अभ्यारण प्रस्तावित है झाबुआ में, कट्टीवाड़ा, अलीराजपुर, मानधाता, खंडवा, सुमेनिया, खंडवा, बसमान, जोगो अभ्यारण एक और प्रस्तावित है सिरमौर रीवा के अंतर्गत। तो ये छोटा सेशन है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण का, लेकिन बहुत सारी जानकारी इसमें मैं बता रहा हूँ। एक मैं क्विक रिविजन आपके समक्ष रख देता हूँ। क्विक रिविजन में क्या करना, हमने इस लेक्चर को शुरू किया, हमने सर्वप्रथम क्या चर्चा की, हमने सर्वप्रथम चर्चा की कि नोरा देही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण है जो सागर जिले में स्थित है। इसके बाद हमने अन्य प्रमुखों की बात की, उन प्रमुखों में हम सबसे पहले सोन चिरैया की संरक्षण की चर्चा कर लेते हैं रिविजन में। तो हमने घाटी गांव और करेरा, घाटी गांव ग्वालियर, करेरा शिवपुरी के अंतर्गत यहाँ पर सोन चिरैया का संरक्षण किया जा रहा है। फिर मैंने आपको बताया खरमोर पक्षी की बात, खरमोर पक्षी हमें सरदारपुर धार और सैलाना रतलाम में देखने के लिए मिलेगा। फिर हमने घड़ियाल अभ्यारण जो है उनकी चर्चा की, जिसमें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण मुरैना आता है, जिसमें सोन घड़ियाल अभ्यारण आपको सीधी में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें हमने केन घड़ियाल छतरपुर पन्ना वाले की चर्चा की, ऐसे कुछ प्रमुख अभ्यारण है। इसके अलावा अभी हमने चिड़ी खो की बात की, झील ये कहाँ देखने के लिए मिलेगी, नरसिंहगढ़ में देखने के लिए मिलेगी। टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है तो वो आपका कौन सा है, रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है। राला मंडल इंदौर में स्थित है और सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बायोस्फीयर रिजर्व है जो पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसमें पचमढ़ी सबसे पहले 1999, अचानक मारा मरकंटक 2005 और 2011-12 पन्ना, ये 3 जैव आधारित क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है। वन संपदा के दृष्टिकोण से काफी संपन्न है, वनों को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जिसमें कि हमारे पास किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण का टॉपिक समाप्त हो रहा है, नदियों को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मध्य प्रदेश में क्लाइमेट को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मुख्य मुख्य टॉपिक 4th यूनिट के हो चुके हैं। अब मुझे आपको इनमें जो टॉपिक शेष है रिमाइंड करा देता हूँ, मध्य प्रदेश की मिट्टी अगले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा,
मध्य प्रदेश में खनिज पढ़ाऊंगा, मध्य प्रदेश में उद्योग और जनांकिकी आंकड़े। ये चार पांच प्रमुख टॉपिक जो फोर्थ यूनिट में हमारे शेष रहते हैं जिनको हम फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो,